हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम विनेश है और आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग आफ्टर इफेक्ट में लोअर थर्ड एनिमेशन कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। ये है मेरा आफ्टर इफेक्ट का सॉफ्टवेयर जिसमें हम लोग आज अपना लोअर थर्ड एनिमेशन बनाने वाले हैं। ठीक है, एक कंपोजिशन बना ले रहा हूँ अपना। मैं कंपोजिशन पे क्लिक करता हूँ, न्यू कंपोजिशन। मैं इसमें लिखता हूँ सोशल मीडिया, ठीक है, विथ 1920, हाइट 1080, फ्रेम रेट रहेगा 30, ठीक है, ड्यूरेशन 8 सेकेंड का है और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक है। ठीक है, देन ओके। तो यहाँ हमारा एक कॉम्पोजिशन मिल गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम लोग इसमें अपना लोगो इंपोर्ट करेंगे। तो मैं डबल क्लिक करता हूँ और मैं अपना ये जो फेसबुक वाला लोगो है इसको मैं यहाँ से करता हूँ इंपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये लाइब्रेरी में इंपोर्ट हो चुका है। सिंपली हम उसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पर करेंगे ड्रॉप। कीबोर्ड में एस बटन प्रेस करेंगे और इसको रिसाइज करेंगे। ठीक है, कुछ इतना और छोटा कर लेते हैं कुछ इस तरह से, और इसका पोजिशन मैं चेंज करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं प्रीकॉम और इसका मैं नाम रखता हूँ फेसबुक लोगो। ठीक है, मेक श्योर आप ये इस बात को ध्यान रखो कि ये वाला चेक लगा हो इस पे मूव ऑल एट्रीब्यूट्स, ये चेक होना चाहिए, देन ओके। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, इतना हमारा हो गया। अगला हम लोग क्या काम करने वाले हैं, इस पे हम लोग टेक्स्ट लिखने वाले हैं, फॉलो मी और अपना यूज़र नेम लिखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ से लेता हूँ अपना टाइप टूल और मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉलो मी। मैं इसका साइज़ को छोटा कर दे रहा हूँ कुछ इस तरह से इतना, और इसको मैं एडजस्ट कर ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं इसका एक डुप्लीकेट बनाने वाला हूँ तो मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। देन मैं इसको ड्रैग करूँगा नीचे यहाँ पे और मैं इसको एडिट करके इसमें मैं अपना यूज़र नेम लिखने वाला हूँ। ठीक है, मेरा फेसबुक का यूज़र नेम है। ठीक है, ये मेरा फेसबुक का यूज़र नेम है, आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, ये मेरे फेसबुक पेज का यूज़र नेम है। ठीक है, तो फटाफट मेरा फेसबुक पेज भी लाइक और फॉलो कर दो, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो ये कुछ इस तरह से हमारा हो गया है। ठीक है, इसको हम और थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं तो हम लोग सिंपली सेलेक्ट करते हैं और इसको थोड़ा और साइज इंक्रीज कर दे रहे हैं कुछ इस तरह से। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, ये कुछ इस तरह से हमारा अभी का मैटर रेडी हो गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें कुछ एनिमेशन ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग सिंपली सबको सिलेक्ट करते हैं, जो मेरा टाइमलाइन कर्सर है इसको हम लोग कुछ 2 फ्रेम पे लाएंगे कुछ इस तरह से। पी बटन प्रेस करेंगे तो इसका आप सबका सारे लेयर का पोजीशन यहाँ पे ऑन हो जाएगा। सब पे हम लोग की फ्रेम लगा देना है। ठीक है, वापस आना है 0 फ्रेम पर और मैं कुछ इस तरह से अपने यूज़र नेम को सिलेक्ट करता हूँ और कीबोर्ड के की मदद से मैं इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे बाहर कर ले रहा हूँ कुछ इस तरह से। उसी तरह फॉलो मी को हम लोग कर लेते हैं बाहर कुछ इस तरह से। सेम प्रोसीजर हम लोगों पे भी अपनाएंगे और कुछ इस तरह से इसको हम लोग यहाँ पे बाहर कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं दिखाता हूँ आपको प्रीव्यू, कुछ इस तरह से हमारा अभी एनिमेशन रेडी हुआ है। ठीक है, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, कुछ इस तरह से एनिमेशन अभी बना हुआ है। ठीक है, इतना फ्रेंड्स हो जाने के बाद इन सारे की फ्रेम को आपको करना है सेलेक्ट, राइट क्लिक करना है, देन इस पर ईजी इज इन आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा स्मूथ एनिमेशन चलेगा अब। ठीक है, सारे की फ्रेम को पहले सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखो ये ग्राफ एडिटर है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, इस कॉर्नर को करेंगे सेलेक्ट और देन कुछ इस तरह से इसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, इस तरह से, देन ग्राफ एडिटर को ऑफ कर देंगे हम लोग। और अब देखो पहले ये हमारा जो एनिमेशन चलेगा पहले स्पीड से चलेगा फिर स्लो हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से देखो, पहले स्पीड में आ रहा है फिर स्लो हो जा रहा है। अब इस की फ्रेम से इसका ड्यूरेशन को ज़्यादा कम कर सकते हैं, यानी कि आपको ज़्यादा स्पीड में चाहिए तो आपको और कम ड्यूरेशन में लगाना होगा की फ्रेम को, और आपको स्लो में आपको एनिमेशन चाहिए तो आपको इसको थोड़ा और लॉन्ग दूरी पर आपको रखना पड़ेगा, यानी कि आपको ये इसको इस साइड में घिसकाना होगा। ठीक है, ओके। इतना होने के बाद फ्रेंड्स जहाँ पे ये एनिमेशन हमारा ख़त्म हो रहा है देन यहाँ पे हम लोग देंगे रेक्टेंगल टूल और इसमें हम लोग फिल करेंगे कलर। ठीक है, इसमें कलर फिल करेंगे हम लोग और इसका स्ट्रोक को नन कर देंगे और ये जो हमारा कंटेंट है फॉलो मी और जो हमारा यूज़र नेम है
इसके ऊपर एक शेप बनाएंगे हम लोग, वैसा शेप बनाएंगे जिससे हमारा सारा ये टेक्स्ट है वो कवर हो जाए। ठीक है, तो मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे एक शेप बना लेता हूँ। ठीक है, जिसे देखिए ये मेरा पूरा टेक्स्ट इसमें कवर हो चुका है और मैं इसका नाम रखता हूँ मैट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, जो ये जो मेरे यूज़र नेम का ये जहाँ आप देखो यू जो ट्रैक मैट है इसको हम लोग चेंज करेंगे अल्फा मैट। ठीक है, फिर मैट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे कंट्रोल डी यानी कि डुप्लीकेट और इसको ड्रैग करेंगे फॉलो मी के ऊपर ड्रॉप करेंगे और इसका भी ट्रैक मैट को यानी कि फॉलो मी का ट्रैक मैट को हम लोग करेंगे अल्फा मैट 2। ठीक है, एक और इसका डुप्लीकेट बनाएंगे कंट्रोल डी, इसको यहाँ से विजिबिलिटी यहाँ से ऑन कर लेंगे, देन इसको ड्रैग करेंगे अपने लोगो के ऊपर और लोगो का भी हम लोग ट्रैक मैट चेंज कर लेंगे अल्फा मैट 3। ठीक है, तो देखिए कुछ ये इस तरह से हमारा अभी एनिमेशन बना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये देखो जैसे ही आप यहाँ पे लाते हो, ठीक है, तो इसका जो ट्रैक है उसको आगे की तरफ घिसकाना होगा कुछ इस तरह से, कुछ ऐसे, ताकि जो हमारा एनिमेशन है वो प्रॉपर बना रहे। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हमारा अभी लोअर थर्ड एनिमेशन रेडी हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए इस तरह से हमारा लोअर थर्ड एनिमेशन अभी रेडी हो गया है। अब क्या करना होगा फ्रेंड्स, ये जब इन कर रहा है तो इसको आउट भी करना होगा। ठीक है, हम लोग सिंपली सबको सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए, ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा, राइट क्लिक करेंगे, प्री कंपोज करेंगे इसको। ठीक है, और मैं इसको FB लिख दे रहा हूँ, चेक करेंगे देन ओके, यहाँ पे एक कंपोजिशन हमको मिल जाएगा। ठीक है, मैं इसको प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको, ये कुछ इस तरह से प्रीव्यू हमारा हो रहा है, यहाँ तक प्रीव्यू हमारा ओपन हो रहा है, कुछ होल्ड करेंगे देन यहाँ पे हम लोग करेंगे स्प्लिट। मैं एडिट में जाता हूँ और करता हूँ स्प्लिट लेयर, हम लोग डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसका एक कॉपी बनाएंगे हम लोग कंट्रोल डी और इसको हम लोग आगे कर देंगे यहाँ तक, ताकि ये यहाँ से रिपीट हो जाए। ठीक है, हम लोग इस पर राइट क्लिक करेंगे, टाइम में जाएंगे, देन इसको हम लोग को रिवर्स करना है। ठीक है, देखो टाइम रिवर्स लेयर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ये रिवर्स भी होने लगा। अब मैं इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ इसको, क्योंकि मुझे इतना ही चाहिए। मैं आपको फिर से एक बार प्रीव्यू दिखाता हूँ इसका, ये देखिए हमारा एनिमेशन इन हुआ, यहाँ पे होल्ड हुआ, देन ये एनिमेशन अब आउट हो जाएगा। तो अब फ्रेंड्स, आप इस तरह का लोअर थर्ड एनिमेशन बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बना सकते हो। ये मैं सिंपल तरीका बताऊँ आपको, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि आखिर में ये लोअर थर्ड एनिमेशन बनता कैसे है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ और नए टेक्निक के साथ, तब तक बाय बाय।